कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना, अभी हमारे साथ हैं केशव सिंह, लोजपा के नेता हैं, और इनसे बात करते हैं कि सर आज की क्या कुछ है तैयारी? आज की तैयारी नहीं है, जब आज तो हम लोगों के बीच में दिवंगत हो गए हैं माननीय रामविलास पासवान जी। वो जब जीवित थे तो इसी गोलम्बर में आप लोग देखते थे कि प्रतिवर्ष हम लोग उनका जयंती मनाते थे और बहुत धूमधाम से जयंती होता था। उसी प्रकार इस बार भी हम लोग किए हैं, लेकिन अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम लोगों को बराबर उनके याद खल रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को इस बार और पहला उनका जयंती नहीं रहने के बाद है, इसलिए ऐतिहासिक रूप देने का काम किए हैं। जितना हम लोग सफल हुए हैं, तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूं कि बहुत अपना सहयोग से सफल बनाने का काम। लोजपा जब से दो गुट में बटा है, आज दो दो जयंती मनाई जा रही है, जयंती इसलिए क्योंकि चिराग पासवान भी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए जयंती पार्टी मुख्यालय पर हो रहा है, चिराग जी अपना आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, मेरे तरफ से भी उनको आशीर्वाद है कि बढ़े। लेकिन जिस ढंग से आज से एक डेढ़ वर्ष पहले पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, सारे कार्यकर्ता उनको अपने नेता के रूप में देखते थे, लेकिन कुछ गलत और लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी नहीं चलाने के चलते सारे लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव उन पर अविश्वास कर करके और लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष सांसद माननीय जो निर्वाचित हैं, 6 में 5 सांसद उपस्थित होकर के कहें कि चिराग पासवान के प्रति मेरी आस्था नहीं है, वो पार्टी को सही ढंग से लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चला रहे हैं, अब हमारे पार्टी का नेता पशुपति कुमार पारस जी होंगे और पारस जी के नेतृत्व आस्था व्यक्त किया, लोकसभा से मान्यता नेता का मिला, चुनाव आयोग में भी मामला गया है वहाँ से भी मान्यता मिलेगा, लोजपा एकजुट है और पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में है। ये रामविलास पासवान जी के पद चिन्ह पर चढ़ करके लोक जनशक्ति पार्टी का जो सपना था रामविलास पासवान जी, उसको पूरा करने में लगे हैं। चिराग पासवान का आरोप है कि मंत्री बनने के लिए हमारे साथ चाचा ये खेल खेले हैं। देखिए चाचा मंत्री बनने का पूरा नेतृत्व उनके प्रति क्यों आस्था व्यक्त करता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर दिया, लोकसभा के तमाम सदस्य कर दिए, तो ये उनका अनर्गल आरोप है। आज उनको खुद नहीं मालूम है कि हम NDA में हैं कि UPA में हैं, वो अपने आप को तय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग कहें कि लोकसभा का चुनाव हम लोग NDA में लड़े थे, 2015 का विधानसभा NDA में लड़े थे, और चिराग पासवान बिना किसी साथी का सलाह लेकर के उन्होंने NDA से अपने आप को बाहर कर लिया। तो NDA से जब चिराग पासवान अपने आप को बाहर मानते हैं तो मंत्री बनने का कहाँ बात है, मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, हम लोग अलग हो। एक बात है कि जिस दिन पार्टी में क्राइसिस हुआ है उस दिन से तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि हम NDA के साथ हैं, NDA को मजबूत करेंगे और NDA को मजबूत करेंगे। लास्ट सवाल है कि आप चिराग पासवान के साथ में भी काम किए हैं, आज उनको कितना मिस कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी तो आप लोग एकजुट हो जाएंगे? देखिए चिराग पासवान पहले अपनी गलती को सुधारे, वो आम जनता से कट गए थे, वो एरिस्टोक्रेट लीडर हो गए थे, वो कहीं गरीब गुड़वा को नहीं पूछते थे। लोक जनशक्ति पार्टी गरीब गुड़वा दलित पीड़ित पिछड़ा अति पिछड़ा और सवर्ण जाति सबका मिला करके सभी को मान सम्मान के साथ ले जाने का काम करती है, लेकिन वो मुट्ठी भर पूंजीपति दलाल उद्योगपति ठेकेदार इन लोगों के हाथ में कैद हो गए थे, और जब तक उन लोगों के हाथ में कैद रहेंगे तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उनको मिस नहीं करेगी, उनको सबक सिखाने का काम करेगी कि आप सीखिए, प्रायश्चित कीजिए कि रामविलास पासवान का पद चिन्ह क्या है, उस पर चलने का प्रयास करें, तब उनको हम लोग अपने अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिल इधर से क्रॉस कर रहा है जो काफी हुड़दंगा ही कर रहे हैं, क्या उनकी ताकत? अरे भाई आप जान रहे हैं पटना शहर में बाइकर्स गैंग है, बाइकर्स गैंग को बुला करके उससे अभिनंदन करा रहे हैं, भारी का भीड़ से कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, करे स्वागत है। पारस जी देखिए जिस व्यक्ति का राजनीति 1977 से पासवान जी का कदम में कदम मिला करके चलने का है, हमेशा संघर्ष किए हैं, शहरबन्नी के फड़किया दियर से उठ करके आज यहाँ तक देश के राजनीति में पहुँचे हैं, तो संघर्ष वाला लोग डरते नहीं है, डरता है कायर लोग। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे केशव सिंह जो लोजपा के नेता हैं, इन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस प्रकार से पटना में बाइकर्स गैंग रहते हैं उन लोगों को बुला करके चिराग पासवान अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये यही उनका पहचान है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम हमेशा से जयंती मनाते आ रहे हैं रामविलास पासवान का, और आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो रामविलास पासवान को केंद्रित कर दोनों आपस में जो चाचा भतीजा जो हैं अपनी ताकत को आजमाने में लगे हुए हैं। इस पर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।